आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल इन द वेजिटेबल साइंस. एज यू नो फूड इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग बींग्स टू प्रोवाइड इनर्जी एंड डेवलपमेंट मेंटेन लाइफ और स्टिमुलेट ग्रोथ आफ्टर एयर एंड वाटर. वायु तथा पानी के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण सबसे चीज़ है जीवित प्राणी के लिए वो है भोजन. इन जनरल इट कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सामान्यतः भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स मिनरल्स एंड विटामिन्स विच आर कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म. विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि किसी जीव के लिए उनको सपोर्ट देते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है. इंजेस्टेड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड असिमिलेटेड बाई ऑर्गेनिज्म सेल्स. कोशिकाओं द्वारा उनको ग्रहण किया जाता है जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है. आप लोग जैसा कि जानते हैं दीज न्यूट्रिशनल फूड्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स पल्सेज फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑयल एक्सेट्रा. ये जो न्यूट्रियस पोषक भोजन है पोषण से युक्त भोजन है ये किससे प्राप्त होते हैं? अनाज से दालों से फलों से तथा सब्जियों अथवा तेलों से प्राप्त होते हैं. आउट ऑफ दीज वेरियस इन्ग्रीडियंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये जो भोजन के पोषक तत्व हैं इनमें से वेजिटेबल जो सोर्स ऑफ इन्ग्रीडियंट्स जो सोर्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन विच वेजिटेबल आर द चीप रिच एंड कंपेरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं भोजन के उनमें से वेजिटेबल ऐसे हैं जो कि हमें सस्ते दाम पे मिल जाते हैं तथा विटामिन और मिनरल्स का भरपूर इसमें स्टोर रहता है. वेजिटेबल डू नॉट ओनली एडॉर्न टेबल. जो सब्जियां हैं वो केवल हमारे टेबल को सजाती नहीं हैं बल्कि आल्सो इनरिच हेल्थ तथा हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखती हैं. फ्रॉम द मोस्ट न्यूट्रिटिव मीनो पोषण बहुत अच्छे पोषण के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को मिलता है. टोन अप द एनर्जी एंड विगोर ऑफ माइंड तथा मनुष्य की शक्ति को बढ़ाती हैं. सो इट इज दस अल्टीमेट दैट द वेजिटेबल्स आर द ओनली रिच एंड नेचुरल सोर्सेज वॉइस टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन. जो हमारे खराब स्वास्थ्य है उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लें क्योंकि सब्जियाँ जो हैं वो माल न्यूट्रिशन खराब स्वास्थ्य से लड़ने में बहुत ही सक्षम है. वेजिटेबल्स आर आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फ्रूट. सब्जियों को रक्षात्मक भोजन की संज्ञा दी गई है फॉर द सेम रीजन. इसी कारण से ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1989 हैव सजेस्टेड एन एडल्ट शुड टेक 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 1989 में सजेस्ट किया कि कम से कम 300 ग्राम वेजिटेबल पर डे एक व्यक्ति को एडल्ट जो एडल्ट व्यक्ति है मैच्योर है उसको लेना चाहिए. विच कंसिस्ट ऑफ लीफी रूट एंड फ्रूट वेजिटेबल जिसमें पत्तियों वाली जड़ों वाली तथा फलों वाली सब्जियों का कॉम्बिनेशन हो चाहिए. द इम्पॉर्टेंस और रोल ऑफ वेजिटेबल इन फ्रूट कैन बी डिस्क्राइब अंडर फॉलोइंग हेड्स. निम्न शीर्षकों के अंदर आप गत आप सब्जियों के महत्व को देख सकते हैं. नंबर एक एज ए सोर्स ऑफ विटामिन. देर आर 12 विटामिन आर नीडेड फॉर टू कीप ए मैन इन हेल्दी पोजिशन. दीज आर विटामिन ADEK आर फैट सेलेबल एंड रेस्ट ऑफ आर वाटर सेलेबल. विटामिन ADEK फैट सेलेबल एंड रेस्ट अदर्स आर वाटर सेलेबल. एज यू नो द विटामिन आर नेसेसरी फॉर कीपिंग ए मैन इन हेल्थ. सज विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर
आँखों की रोशनी जो है विटामिन ए कैरोटीन के रूप में पाया जाता है सब्जियों में, जैसे गाजर है, गाजर वगैरह में बहुत अच्छा पाया जाता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारे हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए अच्छे रहते हैं। विटामिन ए, ये क्या है, विटामिन ए जो है इंटेस्टिनल विटामिन है और इससे बांझपन दूर होता है। ये विटामिन के, ये सब फैट्स है बोलियो एज ए सोर्स ऑफ मिनरल साल्ट्स, एट लीस्ट 10 मिनरल साल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर माइंड टू कीप इन हेल्दी पोजिशन आउट इन द डिफिशेंसी ऑफ मिनरल साल्ट्स यू सफर फ्रॉम मेनी डिजीजेस सच एज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डिफिशेंसी से थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। इस कंडीशन में जैसे आपको ओकरा है, भिंडी में काफ़ी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है तथा प्याज में आयोडीन पाया जाता है। इस प्रकार से अधिक मात्रा में आप प्याज और भिंडी का सेवन करके आप थायराइडीन ग्लैंड को अपनी सही कंडीशन में ला सकते हैं। एज ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्वीट पोटैटो सजेस्ट स्वीट पोटैटो पोटैटो शकरकंद आलू टैपियोका याम दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव एनर्जी टू द पर्सन एंड द एनर्जी इन द पर्सन यूज इन द डूइंग वर्क। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये ज़्यादा एनर्जी आपको प्रदान करता है और जिसका यूज आप कार्य करने में करते हैं, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट। और ये स्टार्च के रूप में काफ़ी फैक्ट्री में यूज होता है जिससे शुगर वगैरह का निर्माण होता है। एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है हमारी मसल्स के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे जो हमारी मसल्स हैं इनके प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल अच्छे रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और विभिन्न जैसे विशेष करके सोयाबीन है और मटर है, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है, तो आप इसका यूज बहुत ही कर सकते हैं और अपने जो शरीर की मांसपेशी है उनको अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं। एज ए सोर्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स आर आल्सो फाउंड इन वेजिटेबल्स एज एल सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल। और आप लोग जानते हैं फॉर्चून के रोज में सोयाबीन का बहुत अधिक यूज होता है। एज ए सोर्स ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट फूड्स, बहुत से फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड वगैरह, उनका महत्व भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल जो हैं ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं और ये बहुत ही अपना लाइफ साइकिल बहुत ही जल्दी कंप्लीट करती हैं। लाइफ साइकिल इज द फ्रॉम सोइंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द सीड, हेंस मोर द मोर इनकम कैन बी टेकन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ द लैंड एंड ड्यू टू इंटेंसिव क्रॉपिंग इन वेजिटेबल लेबर आर आल्सो गिविंग होल ईयर राउंड वर्क इन द फील्ड। एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वेजिटेबल, जब आप सब्जियाँ उगाते हैं निश्चित रूप से आपका सौंदर्य का बोध होता है। तरह तरह के फल वाले सब्जी आपको आकर्षण का केंद्र लगती हैं और इस प्रकार से ये एस्थेटिक वैल्यू भी इसकी है जो कि सुंदरता बनाते हैं। मोर वेजिटेबल्स कैन बी रेज्ड इन वन ईयर, एक साल में, चूँकि इनके लाइफ जो है हमने बताया कि बहुत कम होती है। जैसे मूली एक डेढ़ महीने में आप आसान एक डेढ़ महीने में मूली बहुत ही अच्छे तरीके से उगा करके ले सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से मोर वेजिटेबल्स कैन बी रेज्ड। मेडिसिनल वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत से वेजिटेबल हैं जैसे परवल है, अगर कोई व्यक्ति बीमार रहे और वो पुनः स्वस्थ होना चाहे तो उसको परवल खाना चाहिए। परवल खाने से वो पुनः रिगेन हो जाता है अपने हेल्थ को, ये आप करके देख सकते हैं। किसी के आँखें में अगर प्रॉब्लम है, आँखों से अच्छा धुंधला दिखाई देता है, तो वो आप गाजर वगैरह खा लीजिए 15 दिन, तो आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। इस प्रकार से किसी को डायरेटिक प्रॉब्लम है, अगर एक मूत्र कच्छ की बीमारी होती है तो उसमें आप मूली ले सकते हैं। मूली जो है वो डायरेटिक होती है, उससे मूत्र बहुत ही जल्दी उगलने लगता है। जो लौकी है हमारी बोटल गार्ड जो लैक्जेटिव होती है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप लौकी का यूज कर सकते हैं। आपको लैक्जेटिव होती है तो इस प्रकार से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका मल कड़ा है नहीं उतर रहा है और लौकी खाएंगे तो आपका मल ढीला हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस बात के
हाउ टू यूज वेजिटेबल्स। जैसा कि आप जानते हैं सब्जियां सभी खाते हैं, लेकिन सब्जियां कैसे ढंग से खाएं कि उनके जो पोषक तत्व हों पूरे मात्रा में हमको प्राप्त हों, क्योंकि सब्जी खाना एक अलग बात है और सही ढंग से खाना अलग बात है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जो फॉलो दैट, इससे निश्चित रूप से सब्जियों का पूरा खाने का लाभ आपको प्राप्त होगा। जैसे कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू अडॉप्ट दैट यू विल गेट होल बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग द वेजिटेबल। नंबर एक, एड ओनली मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हेन कुकिंग द वेजिटेबल्स। जब भी आप सब्जियों को पकाएं तो बहुत ही कम से कम पानी उनमें ऐड करना चाहिए, जिससे उस वो पानी बेकार फेंका ना जा सके और उसके पूरे तत्व उसमें पानी में मिल जाते हैं, तो आपको पानी सब्जी का पूरा लाभ मिले। सेकेंड, अवॉइड ओवर कुकिंग। सब्जियों को हमेशा धीमी आँच में पकाना चाहिए। अधिक आँच में पकाने से जितनी तेज आँच में आप पकाएंगे उतने ज़्यादा उनके पोषक तत्वों का हास होगा, उनमें से बाहर निकलेंगे, इसलिए हमेशा धीमी आँच में पकाना चाहिए। नेक्स्ट, कुक देम एलॉन्ग विद स्किन और पील देम थिनली। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सब्जियाँ होती हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपरी छिलके के जस्ट नीचे बहुत से रहते हैं, तो इस वजह से उनको या तो आपको छिलके सहित पकाना चाहिए अथवा बहुत ही कम मात्रा में उनके जो छिलके उनको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आप छिलके ज़्यादा हटा देंगे तो निश्चित रूप से जो पोषक तत्व हैं वो भी बाहर चले जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नॉट रीहीट। सब्जियां एक बार पकाने के बाद पुनः गर्म नहीं करने चाहिए, जो जैसी कंडीशन में रखें वैसे खा लेना चाहिए, क्योंकि पकाने से भी उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्विक हैंड टू बी सर्वेड। और सब्जियां पका करके कोशिश करके नहीं रखनी चाहिए, गर्म अवस्था में खानी चाहिए, जब भी उनकी आवश्यकता हो सर्व करने की, जब भी उनको आपको परोसने की आवश्यकता है हंगर मैन को देने की, तभी उनको पकाना चाहिए, अदरवाइज नहीं पकाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फ्रॉम द मार्केट। जो हरी सब्जियां हैं उनको सब बाज़ार से लाने के तुरंत बाद पका लेने चाहिए, रखना नहीं चाहिए, क्योंकि रखने से उसमें पोषक तत्वों का ह्रास होता है। कट इन टू बिग पीसेज। और जहाँ तक संभव हो सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए, जितने छोटे टुकड़े काटेंगे आप उतने ज़्यादा पोषक तत्वों का ह्रास होगा, इसलिए सब्जियों को हमेशा बड़े टुकड़ों में शुड नॉट डिजॉल्व आर सोक इन वाटर। सब्जियों को कभी भी पानी में नहीं भिगोना चाहिए, भिगो करके रखना चाहिए अथवा पानी में नहीं रखना चाहिए, पानी में रखने से उनके पोषक तत्व तो पानी में मिल जाते हैं और वो पानी जब आप फेंकते हैं तो बहुत सा पोषक तत्व तो आपका बाहर चला जाता है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। निश्चित रूप से आपको सब्जियों का जो आप पैसा पे करते हैं सब्जियों के लिए उसका पूरा लाभ होगा और निश्चित रूप से आप एक स्वस्थ जीवन जियेंगे, ये मेरी वो है।